नमस्ते दोस्तों, यदि आपका सपना एक डॉक्टर बनना है तो आपका सपना साकार हो जाएगा। इसके लिए आपको एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा देनी होगी, जिसका जो एग्ज़ाम करवाती है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कराती है। और यह एंट्रेंस टेस्ट होता है और यह है 2023 की आवेदन फॉर्म चालू हो चुके हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि इसके ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं और 6 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी रात्रि 9 PM तक इसके फॉर्म भर सकते हैं आप। और इसकी फीस जमा करा सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए करा सकते हैं। 6 अप्रैल 2023 तक करा सकते हैं, 11:50 PM तक। और यह आप फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही भर पाएंगे। इसमें फीस दे रखी है, कौन कौन से कैंडिडेट को कौन कौन सी फीस भरनी है, कैटेगरी वाइज दे रखी है। जनरल कैंडिडेट को 1700 रुपये फीस देनी होगी और EWS OBC के लिए 1600 रुपये, SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। और इसके लिए जो GST लगेगी वो कैंडिडेट की खुद की होगी। और जो एग्ज़ाम सीटी है इसके लिए आप कोई सी भी भर सकते हैं जो दी जाएगी। और एग्ज़ाम होगी 7 मई 2023 को, संडे को एग्ज़ाम होगी। और ये 200 मिनट की एग्ज़ाम होगी, यानी 3 घंटा 20 मिनट में ये एग्ज़ाम होगी। और 2 बजे से लेकर के 5:20 PM तक होगी। इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप कौन कौन सी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ दे रखी है, देख सकते हैं आप। मतलब जो ऑल इंडिया की जितनी भी मेडिकल लाइन होती है उन सब में आप इसी के लिए इसी टेस्ट के ज़रिए आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी BAMS BUMS BSMS और MBBS BDS जितनी भी AIPMT है, जिपमर है, इन सब में आप इसी के ज़रिए एडमिशन ले पाएंगे। तो ये ऑल इंडिया के लिए फिक्स है NTA के ज़रिए नीट की एग्ज़ाम। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स की पहले क्या था कि एज की लिमिट हुआ करती थी, यानी 17 वर्ष न्यूनतम एज लिमिट थी और मैक्सिमम एज 25 वर्ष और 30 वर्ष थी। लेकिन अब वो एज का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है, यानी मैक्सिमम एज आप कोई सी भी एज के हो आप नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके लिए एक सूचना दे रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट एज पर लेटर, तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो रूल लागू किया गया है ये 9 मार्च 2022 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि आपकी जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, और अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है। नो अपर एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जिन लोगों का सपना डॉक्टर बनना है, मेडिकल लाइन में जाना है, वो अब एग्ज़ाम दे सकते हैं जो ओवर एज हो चुके थे, जिनकी एज ओवर एज हो चुके थे वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, वो अब एग्ज़ाम दे सकते हैं इस रूल के ज़रिए। तो आप MBBS या डॉक्टर जो भी है, BDS जो भी आपको सीट मिलेगी उसके ज़रिए आप डॉक्टर लाइन में जा सकते हैं। तो यही मेरा मकसद था कि इसमें
एज का क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है और आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर कोई अदर राज्य का अदर स्टेट अगर कोई इंडिया से बाहर का है तो उसको अगर इंडिया में एडमिशन लेना है मेडिकल कोर्स में तो उसको 9,500 रुपये फीस जमा करानी होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके लिए कौन सी आपके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। एज के विषय में मैंने आपको बता दिया कि 17 वर्ष तो न्यूनतम है और मैक्सिमम एज अनलिमिटेड है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आपके पास में कौन कौन सी एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास में फॉर्म भरने के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपके पास में होनी चाहिए कि इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए 12th में। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होनी चाहिए। तो ये है पात्रता और जो जो कैंडिडेट अभी 12th की एग्ज़ाम दे रहा है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी या बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इनके ज़रिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अगर आपकी 50% से कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए फॉर्म भरने का क्राइटेरिया 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का है तो उसके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। उसके पास 40 और 50% होने चाहिए। तो इसके ज़रिए किस किस में होगा एडमिशन मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी बता रहा हूँ। देखो MBBS में हो जाएगा, AIPM एम्स में हो जाएगा, जिपमर में भी इसी के ज़रिए होते हैं और BDS में भी इसी के ज़रिए होते हैं और कई प्रकार की डिग्रियाँ हैं उनमें भी एडमिशन इसी के ज़रिए होता है। और इस एग्ज़ाम के ज़रिए 50% ऑल इंडिया कोटा में आप एडमिशन ले सकते हैं और बची 85% स्टेट कोटा उसके आपको स्टेट वाइज अलग से फॉर्म भरना होगा, लेकिन जो उसके लिए पात्रता यही होगी नीट की ही पात्रता उसमें मान्य होगी और इसी अंकों के आधार पर आपको स्टेट लेवल में एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन उसके फॉर्म अलग से भरवाते हैं। और AIPMT के भी फॉर्म ऑल इंडिया कोटा के फॉर्म भी अलग से भरवाएंगे पात्रता परीक्षा होने के बाद में, लेकिन उनकी एग्ज़ाम नहीं होगी, एग्ज़ाम सिर्फ एक ही होगी और इसी के नंबर के आधार पर स्टेट और ऑल इंडिया दोनों में एडमिशन इसी के ज़रिए होते हैं। इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो SC का 15% है रिजर्वेशन, ST का 7.5% है और PWD फिजिकल हैंडीकैप का 5% इसमें रिजर्वेशन है।
तो यहाँ देख सकते हैं आप कि किस किस में एडमिशन कराएगा एमसीसी। एमबीबीएस बीडीएस 15% में, 100% एमबीबीएस बीडीएस बीएचयू ओपन में, एम्स में करवाता है, जिपमर में करवाएगा, एएमयू में करवाएगा, और इसके अलावा डीयूआईपी यूनिवर्सिटीज में करवाएगा, ईएसआई में, जमीला जामिया मिला इस्लामिया इंटरनल सीट में करवाएगा, ईएसआई में, एएफएमसी में, बीएससी नर्सिंग में, जो सेंट्रल बीएससी नर्सिंग होती है उसमें। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी है, 10% है, और एनआरआई का इसमें कोई दे नहीं रखा। और आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसमें फ़ोटो चाहिएगा आपको, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिएगा, फिर इसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो चाहिएगा 4x6 में, सिग्नेचर चाहिएगा आपके, लेफ्ट थंब फिंगर्स, थंब इम्प्रेस चाहिएगा, और 10th की मार्कशीट चाहिएगी इसमें, और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा, पीडब्ल्यूडी में आते हैं पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, और सिटीजनशिप में से आते हैं तो सिटीजनशिप का चाहिएगा, और फिर जो एड्रेस का जो प्रूफ है वो पीडीएफ चाहिएगा, उसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, मूल निवास, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इसमें से कुछ भी होना चाहिए। अब सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हायर सेकेंडरी स्टेज का होगा, यानी कि 11वीं और 12वीं का कोर्स आएगा आपके सिलेबस में, तो 11वीं 12वीं की आपकी बुक होनी चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ये तीनों से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से लेसन है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का आपने देख लिया, और ये बायोलॉजी का है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका सिलेबस को आप डिटेल में भी देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप नीट की एग्ज़ाम दीजिए और डॉक्टर बनिए, और आप अपने सपने को साकार कीजिए। आपने जो सपना देख रखा था वो आपका सपना पूरा हो, इसी मकसद से वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको जानकारी मिले कि एज की फाउंडेशन ख़त्म हो चुकी है, जो पहले एज लिमिट होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे वो अब एग्ज़ाम दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।